अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मैं वीडियो बताया था कि नीचे का सिलाई का सेटिंग करने का तरीका, और सिलाई ख़राब हो जाए तो कैसे सेटिंग कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सिलाई इस तरह ख़राब होती है कि हम इसको मिलाते हैं सही से मिल नहीं पाती है। तो ये छोटा सा बीमारी है, मैं ऊपर से भी सही कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसका बॉबिन निकाल के देखते हैं कि हाँ ये बॉबिन का सेटिंग कैसा है। अभी आपको ये सिलाई मार के दिखाए हैं, फिर से एक बार सिलाई मार के दिखा दे रहे हैं कि इसमें कैसा सिलाई हो रही है। ये देखिए वैसा ही सिलाई आ रहा है। अभी मैं दूसरा सिलाई ये साइड किनारी का मारा हूँ तो वैसा ही दे रही है, ये धागा भी फोल्ड आ रही है। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं बॉबिन निकाल के। देखिए हम ये बॉबिन के लिए, देखिए ये बहुत टाइट चल रही है। इसको हम ऐसे फंसा लिया, देखिए बॉबिन को खींच रहे हैं। ये देखिए बॉबिन है ना, टाइट चल रही है। तो हम इसको ढीला करेंगे तो हमारे अंदर से ये सिलाई का जो नीचे का जो सिलाई में बहुत लूजिंग आ रही है तो उससे कम हो जाएगी। ये टाइट रहने की वजह से भी सिलाई ख़राब देती है। तो फिलहाल में हम इसको ये ढीला करके देखते हैं, ये बोल्ट अगर ढीला करने से सही होता है तो ठीक है। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही ढीला हो गया, तो हम इसको थोड़ा और टाइट करेंगे। देखिए अब इतना पे हम छोड़ देते हैं। अब हमारे अंदाज से ये अब सिलाई सही देगी। ये देखिए सिलाई सही आ रही है, देख सकते हैं। पहले सिलाई ऐसा आ रहा था, अब ऐसा आ रही है। थोड़ा सा कहीं कहीं पे ये धागा लूज आ रही है। अब ये देखिए यहाँ पे हल्का लूज आ रही है, लेकिन पहले से अच्छा हो गई है। तो इसका है थोड़ा सेटिंग ऊपर से करेंगे, ये झाल को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे तो अब ये सही देगी सिलाई।
काका थोड़ा बड़ी भी है, इसको छोटा कर लेते हैं। अब देखिए दाना दाना जैसा सिलाई दे रहा है, अब अच्छा दे रहा है सिलाई आपको। अब देखिए पहले सिलाई कैसा दे रहा था, ऐसा दे रहा था, अब ऐसा दे रहा है, यानी बिल्कुल सही सेटिंग हो गई है मशीन का। इससे पहले जो मैं वीडियो बताया था, अगर ये बॉबिन का पत्ती से और ये झाल से मिलाने से सही नहीं होता तो वो सेटिंग कर सकते हैं, ताकि वो सेटिंग करने के बाद नीचे का जो रेड रेड है, बड़ा ऐसा रेड, उसको खोल के आगे पीछे कर देंगे तो क्या है, सिलाई का सेटिंग सही हो जाएगी। वो 20 सेंटर रहता है एक साइड में, करने से भी सिलाई का सेटिंग सही हो जाती है और मशीन जो है ना टाँका सही से नहीं भागती, तो तेज़ी यानी बड़ा टाँका देने लगेगी और मशीन थोड़ा तेज़ी रफ्तार में जाती है। शटर को, शटर का जो अंदर का राउंड गोल रहता है वो, उसको सिर्फ एक साइड में कर देना है। फिलहाल में बॉबिन केस का पत्ती अगर ज़्यादा टाइट भी रहे तो आपका सिलाई इस तरह देगी। अभी आपके सामने दिखाया था उसको टाइट था, मैं ढीला कर दिया तो इस तरह सिलाई आई है। पहले सिलाई ऐसा थी, अभी सिलाई ऐसा दे रही है। ठीक है, हमारे ये जानकारी हम आपको बताए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।